अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी विल लर्न द कंप्यूटर ऑफ क्लास 7th चैप्टर 2। वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। इट्स ऑन पेज नंबर 25। लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन मींस द रिलेशनशिप ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स टू ईच अदर। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? कंप्यूटर हार्डवेयर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका आपस में रबता कैसे कायम करना है, ये सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। विंडोज़ कन्फिगर बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। विंडोज़ ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रबता भी कायम करना होता है। द कन्फिगरेशन टास्क इज़ परफॉर्म बाई द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ विंडोज़ इंस्टॉलेशन। ओके, तो कन्फिगरेशन का जो काम है ना विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होती हैं या जो कंपल्सरी डिवाइसेस होती हैं ना, वो उनका कन्फिगरेशन विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान हो जाता है। लेकिन जो डिवाइसेस हम बाद में अटैच करते हैं हार्डवेयर की फॉर्म में कंप्यूटर के साथ, तो विंडो क्या करती है, विंडोज़ आल्सो परफॉर्म इट व्हेन एवर अ न्यू डिवाइस इज इंस्टॉल्ड और अटैच्ड। जब हम नई डिवाइस अटैच करते हैं तो वो उस टाइम उसकी कन्फिगरेशन हो जाती है। द कन्फिगरेशन आल्सो वर्क्स इन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, आगे हम पढ़ते हैं कन्फिगरेशन में प्रोग्राम्स की मैनेजमेंट कैसे होती है। द मेन सर्विसेज डेट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फॉर द प्रोग्राम्स आर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा किन चीज़ों में, किन पॉइंट्स में सर्व करता है? सेविंग द डेटा फ्रॉम मेमरी टू हार्ड डिस्क। जब प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो जो डाटा है प्रोसेसिंग के दौरान वो रैम में स्टोर होता है। तो अब जब रैम से जो डाटा, मेमोरी से डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर करना है, वो किसने करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। लोडिंग द फाइल्स फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। अब जो डाटा है फाइल्स से, हार्ड डिस्क से, वो मेमोरी में भी लोड उसने करना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और जो मेमोरी है वो टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइसेस को कहा गया। तो परमानेंट से टेम्प्रेरी में और टेम्प्रेरी से परमानेंट में जो डाटा ट्रांसफ़र है सब कुछ किसके ज़रिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स को डॉक्यूमेंट्स भेजना, द सर्विस ऑफ हार्डवेयर को कंट्रोल करना, द टू प्रिपेयर द डिस्क टू स्टोर डाटा और डाटा स्टोर करना डिस्क में, ये सारा कुछ किस में परफॉर्म होता है, किसके ज़रिए परफॉर्म होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। नेक्स्ट इज दी मैनेजिंग फाइल्स। द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द डिस्क मे हैव हंड्रेड ऑफ फाइल्स। अब कहते हैं जो डाटा मेन स्टोरेज में स्टोर होता है उसमें वो डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर होता है, फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं और वो फाइल्स जो हैं वो हंड्रेड्स की तादाद में हो सकती हैं, तो उसको भी मैनेज करना है। दीज फाइल्स आर प्लेस्ड इन फोल्डर्स और डायरेक्टरीज। अ फोल्डर में कंटेन्स फाइल्स और सब फोल्डर्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन फाइल्स को, डायरेक्टरीज को, सब फोल्डर्स को, सबको कंट्रोल करना होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ दीज फोल्डर्स एंड फाइल्स इन द स्टार्टिंग एरिया ऑफ डिस्क कॉल्ड FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। अब वो एक फाइल की फॉर्मेट में ये इसका सारा डिटेल स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। द FAT इज़ क्रिएटेड व्हेन अ न्यू डिस्क इज फॉर्मेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो नई विंडो में जब डिस्क फॉर्मेटेड होती है तो फॉर्मेटिंग के दौरान FAT क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी यूनिट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाटा प्रोसेसिंग। जो मेमोरी है उसका डाटा प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द प्रोसेस, अब उसने क्या करना होता है जी, मेमोरी ने टू टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रैम। अब रैम को डाटा देना होता है, रैम से डाटा वापस लेना होता है प्रोसेसिंग के दौरान, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लोड्स द डाटा इन टू रैम। रैम को डाटा दे देता है एंड एलोकेट्स द मेमोरी एरिया, और वहाँ पे स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर देता है जहाँ पे डाटा को लोड करना है, जहाँ पे डाटा को रखना है, एंड मैनेज दीज प्रॉपरली।
और इसको प्रॉपरली मैनेज करता है। रैम में जो डाटा जाना है, कौन सा डाटा जाना है, वो जो वापस हमने स्टोरेज में रखना है वो कैसे रखना है, रैम में जो डाटा हम भेज रहे हैं, लोड कर रहे हैं, वो कौन सी प्लेस पे रखना है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ किसके ज़रिए परफॉर्म होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। व्हेन द प्रोग्राम इज़ क्लोज्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर्स द मेमोरी एरिया एलोकेटेड टू द प्रोग्राम एंड इट्स डाटा। अब जो मेमोरी है वो क्योंकि वो शॉर्ट होती है, तो जब एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उसका डाटा स्टोर हो जाता है हार्ड ड्राइव में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो वो डाटा जो मेमोरी में पड़ा होता है उसमें से वो डाटा डिलीट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्लियर द मेमोरी एरिया, मेमोरी एरिया को क्लियर कर देता है जब डाटा हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाता है। शेड्यूलिंग जॉब, अ जॉब इज़ एन एक्टिविटी और ऑपरेशन दैट अ प्रोसेसर परफॉर्म। अब प्रोसेसर ने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो एक जॉब के नाम से जानी जाती है। इट मे बी रिसीविंग डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, सेंडिंग डाटा टू आउटपुट डिवाइसेस और लोडिंग डाटा इनटू रैम। तो ये प्रोसेसर ने कोई भी एक्टिविटी करनी है वो एक जॉब होगी। तो अब जॉब्स की शेड्यूलिंग, उसका सीक्वेंस क्या रखना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सब कुछ किसने करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन्स द ऑर्डर इन विच द जॉब्स आर टू बी प्रोसीड, मतलब किस सीक्वेंस में जॉब्स को परफॉर्म करना है। इट मे बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और मे बी ऑन प्रायोरिटी बेसिस डिज़ाइन बाय यूज़र। अब जो कंप्यूटर पे चूँकि हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, इस मल्टीटास्किंग के दौरान डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि या तो उसको फर्स्ट कम बेस पे ऑपरेट करेगा, मतलब जो सा प्रोग्राम पहले ओपन हुआ है उसको पहले कंप्लीट करें और जो सा प्रोग्राम बाद में ओपन हुआ है उसको बाद में। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है ऑन द प्रायोरिटी बेसिस डिज़ाइन बाय द यूज़र। अब प्रायोरिटी की का क्या होता है जी, डिफरेंट प्रोग्राम्स को हमने प्रायोरिटीज़ दे दी होती हैं, तो उस टेक्निक में जिस प्रोग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होता है, जिस प्रोग्राम को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है वो सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। तो इसी तरह जो जॉब शेड्यूलिंग है उसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं और इसको कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टास्क मैनेजमेंट। अब टास्क क्या है, टास्क इज़ एन ऑपरेशन सच एज स्टोरिंग, प्रिंटिंग और कैलकुलेटिंग। अब एक डाटा को स्टोर करना है, उसको प्रिंट करना है या कैलकुलेट करना है, तो ये किस तरीके से होगा। अब टास्क मैनेजमेंट को भी हम डिफरेंट तरीक़ों से परफॉर्म करते हैं, जिसमें मल्टी टास्किंग आ जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी थ्रेडिंग, वर्चुअल मेमोरी यूजेज और स्पॉलिंग। तो अब टास्क मैनेजमेंट की भी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मल्टी टास्किंग में क्या होता है जी, मल्टी टास्किंग मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। मल्टी टास्किंग मतलब उसमें मल्टी टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ये विंडोज वो ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोग्रामिंग डिफरेंट यूज़र कैन साइमल्टेनियसली रन टू और मोर प्रोग्राम्स। अब एक प्रोग्राम को डिफरेंट यूज़र यूज़ कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में। ये सारा कुछ कौन किसकी टेक्निक्स हैं, टास्क मैनेजमेंट की, कि टास्क को कैसे मैनेज करना है। आगे मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है जी, डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ होते हैं एक काम करने के लिए। इन दिस टाइप मल्टी प्रोग्रामिंग आर एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स एट अ टाइम, एक टाइम पे डिफरेंट प्रोसेसर्स के जरिए एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, देयर आल्सो सम अदर टाइप्स ऑफ टास्क मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन on your book so that you can understand it very well. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share.